हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बस इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका सिविल थ्रू क्वेश्चंस में। सो दोस्तों, हमारे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज़ जो चल रही है, इसमें हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम 13 क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अब देखिए, जो ये लेक्चर सीरीज़ है हमारा, जिसमें हम हमेशा क्वेश्चंस डालते हैं क्विजेस का, जो भी हम लोग लास्ट डे अपलोड करते हैं या सेम डे अपलोड करते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली वीडियो सोल्यूशन सीरीज़ और हमारे यूट्यूब के बीच में लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो मैं बता देता हूँ कि हमारा इस वक्त सॉम और एफएम का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यहाँ पे आपको क्विजेज़ जो भी हम लोग डालते हैं, जो भी हमारा शेड्यूल है, टाइमिंग है, उस पर हम क्विजेज़ वगैरह डालते हैं। उसके बाद अगर वीडियो का ज़रूरत आपको तब पड़ती है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप जाके डायरेक्टली उस वीडियो से देख सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम सेम डे पे ही अपलोड कर देते हैं क्वेश्चन की ये वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ कि कौन ये भी हमारे लेक्चर्स जो वगैरह हैं, तो लेकिन पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कई बार हमारा लेट हो जाता है। तो दोस्तों, लेट होने की वजह से हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे आपको एक टाइम दे देते हैं, उससे पहले हम अपलोड कर देते हैं। तो ये जो वीडियो सॉल्यूशन है, ये आपके एसएससी जेई गेट एग्ज़ाम, ईएससी, पीएससी, जेई एग्ज़ाम और ए एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा कारगर होने वाला है। दोस्तों, इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होंगे उसके वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दो, दो टेलीग्राम चैनल है। टेक्निकल के लिए आप हमारा इंजीनियरिंग बस इंस्टीट्यूट देहरादून नाम से एक चैनल है, उसको ज्वाइन हो सकते हैं, डायरेक्टली जाके सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से भी जाके कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे हम डेली क्विजेज डालते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। टेक्निकल के लिए हमारा मेन चैनल हो गया, जो कि हमारा सिविल के अभी लेक्चर्स, सिविल के हमारे क्वेश्चंस डाले जाते हैं। दूसरा हमारा जनरल अवेयरनेस के लिए हो गया, जनरल अवेयरनेस में अभी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स डाले जा रहे हैं। इसके टाइमिंग वगैरह हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, इसी टाइमिंग पे हम लोग डालते हैं। उसके बाद बात करते हैं, आज डे 13 और 12 जून क्विजेज है हमारा सॉम के, जो कि 11 बजे डाले जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, द प्लेन कैरिंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। देखिए, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक प्लेन कैरी कर रहा है, उसके बाद वो किस एंगल पे होगा, मींस देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। प्रिंसिपल प्लेन्स आर द प्रिंसिपल प्लेन्स, नो, प्रिंसिपल प्लेन में क्या होता है, आपका आपका शेयर स्ट्रेस तो वहाँ पे ज़ीरो होता है, और आपके जितने भी नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, और मैक्सिमम होने की वजह से इनका नाम जो पड़ जाता है, उनका प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस नाम हो जाता है। लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन आगे बात करते हैं। इंक्लाइन एट 90 डिग्री टू दोज प्रिंसिपल प्लेन्स। देखिए, शेयर स्ट्रेस जहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, शेयर स्ट्रेस जहाँ पे आपका मैक्सिमम हो रहा है, वो आपका 45 डिग्री एंगल बनाता है, जो भी आपका मैक्सिमम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस वाला प्लेन होगा। ये आपको याद रखना है बाय हार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग में जाके देखूँ तो आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल प्लेन भी नहीं होगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझ लेते हैं, इसमें हमारा क्या क्या है। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा डेप्थ, क्योंकि आपको ये मैंने लेक्चर बना रखा है, शॉर्ट लेक्चर, वहाँ से जाके आप इसको कवर कर सकते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप इसमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जो कि मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं इस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने से पहले। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी कोई भी आपको स्पेसिमेन दे दिया गया है, ठीक है, और आपका एक प्लेन है जो कि थीटा एंगल पे है, और आपका ये जो प्लेन है वो आपका वर्टिकल प्लेन है, इस केस में वर्टिकल प्लेन है, और आपका इस केस में हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स लग रहा है जिस प्लेन पर, उससे थीटा एंगल पर प्लेन हमारा इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है, ये भी एक तरीके से बोला जा सकता है, या ऐसा बोला जा सकता है कि वर्टिकल एक्सिस से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये आपके डिफरेंट तरीके से बोला जाने वाला है, लेकिन आप समझ सकते हैं सिंपल से एक डायग्राम बना के, ठीक है। ये आपका सिग्मा वाई हो गया, ठीक है। अब ये वाला केस होगा, आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि जो एंगल जो बना रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वर्टिकल प्लेन से उस प्लेन तक, ठीक
ठीक है, जिस प्लेन पे हमको फाइंड करना है नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस उस प्लेन पे जो होगा वो क्या होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा। नॉर्मल स्ट्रेस आपका ये होगा जिसको मैंने सिग्मा एक्स डैश बोल दिया, और शेयर स्ट्रेस का जो डायरेक्शन है इंपॉर्टेंट है, देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अपवर्ड की और मैंने पॉजिटिव मान लिया, यानी कि सिग्मा एक्स एक्स डैश वाई डैश ये आपको फाइंड करना है, ये दोनों चीज़ों को हमें फाइंड करना है। अब बाकी की चीज़ें यहाँ पे आपको दे दी है, ये आपको सिग्मा एक्स दे दिया है और ये आपको सिग्मा वाई दे दिया है, और अगर आपका यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी लग रहा होता तो वो भी आपको दे दिया गया है सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा है। क्या फॉर्मूला, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिग्मा एक्स डैश यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस उस प्लेन पर कितना होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा उस प्लेन के ऊपर। अगर आपको शेयर स्ट्रेस लिखना है उस प्लेन पर, ध्यान रखिएगा मैंने जो अपवर्ड डायरेक्शन ली है उसको पॉजिटिव माना है, तो आपको भी वही एक्ज्यूम करना है कि वो पॉजिटिव होगा अपवर्ड की ओर, यानी कि इसका जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो याद करना है। मोहर सर्कल सॉल्व करने के लिए मत जाओ, फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्टली सॉल्व करो क्वेश्चन को यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम में आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। मोहर सर्कल बनाओगे वहाँ थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है कि कैसे हमको बनाना है, रेडियस कितनी लें, कहाँ पर स्ट्रेस को प्लॉट करें, वो वाली चीज़ें पर मत जाओ, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, क्या साइन कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग जाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, वही आपको कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो फॉर्मूला ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कॉस थीटा आता है और उसके फॉर्मूले में, मतलब जो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू है उसके साथ कॉस थीटा आ रहा है, लेकिन आपका अगर टाउ मतलब मैं शेयर स्ट्रेस निकालू उस पेन के ऊपर तो वो आपका कुछ इस टाइप का आएगा, उसमें आपका साइन टू थीटा आएगा, ये याद रखना है बस आपको, वहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे, वहाँ पे कॉस टू थीटा, यहाँ पे आपका साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ठीक है, ये आपके इंटरचेंज हो गए, यानी कि कॉस थीटा साइन टू थीटा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, आपको ये याद रखना है बस यहाँ पे। तो आपका ये दो शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस उस प्लेन पर निकल गया, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके नॉर्मल स्ट्रेस ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करते, सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होंगे वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता है, उसका समेशन हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि आपको सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इक्वल टू बोलो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होगा, ये भी आपका पॉसिबल है, ठीक है। या कोई सा भी ओरिएंटेशन ले लेंगे हम तो वो आपका पॉसिबल होगा, कोई सा भी ओरिएंटेशन पे आपका ये प्लस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि देखिए एक प्लेन होगा जिस पे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस उस प्लेन को, अगर आपका स्ट्रेस किसी भी प्लेन पर मैक्सिमम है तो उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल प्लेन, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोलते हैं उनको, उन्हीं नॉर्मल स्ट्रेसेस को। लेकिन आपको वहाँ से ओरिएंटेशन पूछता है किस ओरिएंटेशन पे आपका होगा, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं टेन टू थीटा पी इज इक्वल टू टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद नहीं रखना जैसे लिखा गया है, टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। ये हो गया। अब बात उठती है कि आपसे पूछ लिया कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, वो पूछा जा सकता है। तो आपका सिंपल है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में पहले आया था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू, सेम चीज़ है इसमें भी आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू, फिर माइनस इन केस ऑफ मिनिमम और प्लस इन केस ऑफ मैक्सिमम। ये आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ये आपका मिनिमम प्रिंसिप या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस बोल दीजिए, और ये दोनों को दोनों आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। और अंडर रूट इसका जो अंदर लिखेंगे वो होगा हमारा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये आपका इन केस ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इन केस ऑफ मिनिमम, बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये यहाँ से याद रखनी है कि ओरिएंटेशन जो मैंने आपको बात कर रहा था, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अकर जो करता है वो आपका
जो भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस जिस प्लेन पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, उससे आपको 45 डिग्री एंगल को और जाना है, तो उसके बाद आपको जो प्लेन मिलेगा वो आपका मैक्सिमम से स्ट्रेस का प्लेन मिल जाएगा, ठीक है, यह याद रखना है आपको। दूसरी बात याद रखना है आपको कि इसमें याद रखना है, इसमें ये आपका जो थीटा पी है वो आपके दो चीज़ पॉसिबल हो सकते हैं ऐसे, तो थीटा पी एक पॉसिबल होगा, दूसरा आपका पॉसिबल होगा कि 180, दूसरा आपका पॉसिबल होगा कि आपका सपोज़ करा मेरा थीटा पी आ गया 45 डिग्री सपोज़ करा, ठीक है, तो वहाँ पे दो आंसर पॉसिबल होंगे, वहाँ पे एक 135 डिग्री भी पॉसिबल होगा, ठीक है, यानी कि 180 सिंपली आप 90 प्लस थीटा पी, तो ये आंसर भी इसका पॉसिबल है, यानी कि इन इन एंगल पे आपका इन इन ओरिएंटेशन पे आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बता दिया दो एंगल पॉसिबल रहते हैं हमेशा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। और ऐसे ही आपका शेयर स्ट्रेस की बात करूँगा तो मैक्सिमम किस प्लेन पे होगा, वहाँ पे भी दो आंसर पॉसिबल होंगे, वो होगा आपका थीटा एस और थीटा एस प्लस 90 डिग्री, तो दोनों आंसर आपका पॉसिबल हो सकता है। अब मोहर सर्कल में सेंटर क्या होगा, वो होगा आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2.0, ये होगा। उसके बाद रेडियस क्या होगा, रेडियस आपका ये होगा अंडर रूट, जो आपका मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालने में लगता है, यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने में लगता है फॉर्मूले में, जो अंडर रूट वाला पोर्शन है वही सेम चीज़ है, ठीक है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाओ एक्स वाई का स्क्वायर, तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ आपको बताना है मेरे को कि मिनिमम स्ट्रेस जो होगा, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा मोहर सर्कल पे, ये वाला पॉइंट होता है, और मैक्सिमम वाला ये वाला पॉइंट होता है, और इसमें आपका पूरा जो ये बन रहा है डायमीटर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका होता है टाओ मैक्स, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हो गया, यानी कि जो डायमीटर होगा, जो रेडियस होगा अपने में ही ये टाओ मैक्स होगा, ठीक है। यहाँ से इतनी पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। होपफुली मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हो। दूसरा आपको कन्वेंशन के बारे में बात करनी है, जो टेंशन होगा आपको पॉजिटिव लेना है, कंप्रेशन को हमेशा नेगेटिव लेना है, और थीटा देखिए मैं इसी को पॉइंट आउट करने वाला था कि थीटा आपका क्या लेंगे, थीटा हमेशा कोई भी स्पेसिमेन है तो वर्टिकल सपोज करो मेरा वर्टिकल एक्सेस ये है, ठीक है, वर्टिकल एक्सेस से कोई भी आपका प्लेन जा रहा है उससे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थीटा होगा, और ये जो थीटा है इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है, और वही थीटा आपको हर जगह उठा के रखना है, यहाँ पे एज इट इज उठा के रखना है। ये हो सकता है कि ओरिएंटेशन आपका अलग हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऐसे जाए, मीन्स प्लेन आपका ऐसे जाए, या हो सकता है कि आपका प्लेन कुछ और डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये कहने का मतलब है मेरा कि आपको बस इतना डिटरमाइन करना है कि जो वर्टिकल एक्सिस से ही बनना चाहिए एंगल, उसी एंगल को ही हमें कंसिडर करना है यहाँ पे, ठीक है। बस उसके बाद आगे बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, फॉर सच एलिमेंट ओनली अंडर नॉर्मल स्ट्रेसेस रेडियस ऑफ मोहर सर्कल बताना है। देखिए रेडियस ऑफ मोहर सर्कल मैंने आपको बताया, फॉर्मूला उठाओ डायरेक्टली लगाओ, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल आपका सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से आपका सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स आपका माइनस, देखिए मैंने बोला था ना आपको टेंशन आपको पॉजिटिव लेना है, कंप्रेशन आपको नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जाएंगे हमेशा, तो यहाँ से आपका जो सिग्मा वन होगा, सिग्मा एक्स बोलिए इसको, वन हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स जो होगा वो आपका होगा माइनस का सिग्मा, क्योंकि आपका कंप्रेसिव है, तो मैं यहाँ पर माइनस का सिग्मा रख दूंगा, माइनस टाओ एक्स वाई आपका पॉजिटिव है डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0, उसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट माइनस का 2 सिग्मा लाइक दैट, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा से और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी सिग्मा आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका रेडियस ऑफ मोर सर्कल इस केस में सिग्मा होगा। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इन केस ऑफ बाय एक्सियल स्ट्रेस, बाय एक्सियल स्ट्रेस मीन्स
कोई भी स्पेसिमेन है आपका, उस पर दो स्ट्रेसेस लग रहे हैं, दो टाइप के स्ट्रेसेस लग रहे हैं, दो डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस मैंने आपको बताया ये होता है माइनस ए, ये होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद बात उठती है दोस्तों कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और तरीके से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका ये क्या हो गया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, या आपका मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। इसका नेगेटिव करेंगे और डिवाइड बाय टू कर देंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा, यानी कि हाफ द डिफरेंस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इन अ मोहर सर्कल ऑफ टाउ सिग्मा एंड टाउ, ठीक है, सिग्मा आपका हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, टाउ आपका शेयर स्ट्रेस, तो वर्टिकल डायमीटर रिप्रेजेंट क्या करता है, ये मैंने आपको बताया था शुरू में कि वर्टिकल डायमीटर आपका रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मोहर सर्कल आपका यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रॉ था, उसके बाद जो वर्टिकल डायमीटर होता है क्या दिखाता है, बेसिकली हमारा वर्टिकल डायमीटर जो दिखाता है वर्टिकल, ये टाउ मैक्स होता है हमारा, ये आपका नेगेटिव का टाउ मैक्स होगा, तो लेकिन हमारा जो वर्टिकल डायमीटर हो गया टोटल, ये आपका हो जाएगा टू, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो 2 टाइम्स ऑफ टाउ मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायमीटर की बात कर रहा है, तो आपका ये चीज़ आपका आर होता है रेडियस, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर आपका होगा 2 इंटू टाउ मैक्स, 2 इंटू टाउ मैक्स, यानी कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोल रहा है, लेकिन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इसका आंसर नहीं होना चाहिए था, 2 इंटू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा। इस केस में आपका कोई भी ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, तो इसलिए आपका ए वाला आंसर सही होना चाहिए था, लेकिन आपका 2 इंटू टाउ मैक्स यानी कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इसका आंसर एग्जैक्ट है, क्योंकि देखिए आर जो है वो आपका टाउ मैक्स है, डायमीटर थोड़ी ना हो गया, या तो आपको यहाँ से पूछा होता कि रेडियस पूछा होता, ठीक है, रेडियस पूछा होता तब आपका आंसर ये वाला होता मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, लेकिन आपका डायमीटर पूछा है तो डायमीटर के केस में 2 इंटू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं, एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेंड मटेरियल, ओके, इफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ 2000 kg/cm² एंड 1000 kg/cm² आर एक्टिंग, ओके, देन द इंटेंसिटी टेंसाइल स्ट्रेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइन एट 15 डिग्री टू द एक्सेस ऑफ माइनर स्ट्रेस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये स्पेसिमेन ड्रॉ करिए, ठीक है। उसके बाद आपके स्ट्रेसेस जो लग रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस कुछ इस टाइप के हैं, ये आपका 2000 हो गया, यहाँ पे आपका, आप हमेशा कोशिश करिए कि जो मैक्सिमम वाला होगा यानी कि सिग्मा वन जो होगा उसको मैक्सिमम लेके चलिए, मैग्नीट्यूड में बात करूँगा, मैग्नीट्यूड में आपको मैक्सिमम लेके चलना पड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन आसान बनेगा वहाँ से, ठीक है। तो आपको जो 2000 रखना है उसको हमें वर्टिकल एक्सेस में ना रखे हॉरिजेंटली रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक प्लेन है इंक्लाइन कर रहा है, 15 डिग्री टू द एक्सेस ऑफ माइनर स्ट्रेस, देखिए एक्सेस ऑफ माइनर स्ट्रेस, माइनर स्ट्रेस आपका ये हो गया और 15 डिग्री है, 15 डिग्री, इसका मैं 15 डिग्री लगा लेता हूँ, ये लगा लिया, ठीक है। यहाँ से आपका 15 डिग्री पे प्लेन है, ठीक है, ये यानी कि साइन कन्वेंशन हमारे अकॉर्डिंग है, हमने भी ये कंसिडर किया था कि जो जो थीटा होता है वो आपका वर्टिकल एक्सेस से आपका माइनर एक्सेस तक, वर्टिकल एक्सेस से वर्टिकल एक्सेस यानी कि माइनर स्ट्रेसेस की जो एक्सेस होती है वही होती है अपने में, तो वहाँ से आपका प्लेन तक जो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा वो वाला एंगल हमें थीटा कंसिडर करना होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल, बार बार नोट कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है। तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला में लगाइए आंसर भाई, इसमें बस और ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि अब आपको चाहिए यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द प्लेन, इंटेंसिटी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए ना, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ कि आपका
तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिग्मा एक्स डैश, ये आपका हो गया उस प्लेन के ऊपर जो भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगा, प्लेन के ऊपर जो भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, उस प्लेन के ऊपर जो भी आपको प्लेन पे काम करना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है, इसका मैंने फॉर्मूला बोला था ना आपको पीछे। तो आपका सबसे पहले आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू आता है, फिर प्लस आपका आएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, फिर मैंने बोला था आपको कि कॉस आएगा कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। अब देखिए टाउ की कोई बात नहीं क्योंकि सीरियस स्ट्रेस यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है, तो आपका ये ज़ीरो हो जाता है। फिर नॉर्मल स्ट्रेस में बात करेंगे तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस ये 2000 था, ठीक है, ये आपका 1000 था डिवाइडेड बाय टू, प्लस ये आपका 2000 था, ये आपका 1000 था डिवाइडेड बाय टू, ये आपका नेगेटिव था, और कॉस थीटा आपका 15 डिग्री था, यानी कि कॉस 30 बन जाएगा। तो सॉल्व करेंगे आपका 1933 न्यूटन या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपकी यूनिट रहेगी, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो जो कि आंसर में कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है। तो कभी भी ऐसा होता है कि मैच नहीं करता है तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है एसएससी में तो, ठीक है। ये भी हो सकता है दूसरा आपका कुछ एग्ज़ाम्स ऐसा बोलता है कि आपने अटेम्प्ट ना भी किया हो फिर भी आपको इसका वेटेज मिलेगा। तो बेसिकली आप इसके बारे में कभी वरी मत होइए कि क्वेश्चन कोई गलत हो जाए तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मिलेगा मार्क्स, ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या नहीं भी किया हो। एसएससी ने भी चेंज कर दिया है कि पहले तो वो अटेम्प्ट करने वालों को नंबर देता था, लेकिन उसने अब जो अटेम्प्ट करे और जो ना भी करे उनको नंबर देने लग गया है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं 6th क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ टेंस टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बहुत आएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम कि आपको टेंजेंशियल निकालना क्या है वो देख लेते हैं पहले। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ टाउ और इसको मैं बोल देता हूँ सिग्मा, इसके वैल्यू में फाइंड करनी है इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा डिग्री एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आपका कोई भी एक स्पेसिमेन कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और उसमें अगर मैंने एक प्लेन कंसिडर किया कुछ ये इस टाइप का, ठीक है, तो आपका जो स्पेसिमेन होगा तो आपका कुछ इस टाइप का है। सपोज अब मैंने इसको इस सेक्शन को हटा दिया तो आपका प्लेन जो बचा, आपका जो मटेरियल जो बचा, आधा मटेरियल वो इतना बचा, ठीक है। अब बात उठती है यहाँ से, ये एंगल आपका थीटा डिग्री है, ठीक है, क्योंकि आपका इसने बोल रखा है रेशियो ऑफ द टेंसर, यहाँ पे आपका बोल रखा है कि इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैंने बोल दिया पी, ठीक है, इससे प्लेन इंक्लाइंड है थीटा डिग्री एंगल पर, यानी कि ये वाला वैल्यू ये आपका थीटा डिग्री एंगल है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सर ये दोस्तों देखते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है तो दोस्तों इसमें बोला गया है आपको रेशियो ऑफ टेंजेंशियल
एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन में दिया है आपको, इस क्वेश्चन में जो बात की है इन्होंने, इस क्वेश्चन में आपकी आपने आपसे जो बात कर रहा है वो एक जो आपको जो एंगल दिया है वो एंगल ये वाला कंसीडर करना है। अगर आपका ऑप्शन से अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये आपका एंगल होगा, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए आप सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके क्या सॉल्यूशन निकलते हैं। अगर मैं थीटा एंगल ये वाला कंसिडर करता हूँ तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, तो आपका जो प्लेन एरिया है, ये एरिया आपका ए हो गया, ये आपका इंक्लाइंड है, इसको मैंने ए डैश बोल दिया। तो आपको यहाँ से एक चीज़ मिलेगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन ए डैश। तो आपको एक चीज़ यहाँ से ये मिल जाएगा, यानी कि आप ए डैश को कह सकते हैं कि ए अपॉन कॉस थीटा हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे बात करेगा वो, दूसरी चीज़ आपसे बात करेगा कि आपको स्ट्रेस लिखना है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेस लिखना है, तो स्ट्रेस में आप इसका सबसे पहले कंपोनेंट ले लीजिए। ठीक है, तो कंपोनेंट ले लीजिए, तो आपको इसका कंपोनेंट लूँगा मैं आपका, तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में दो इसके कंपोनेंट आएंगे। तो ये आपका एंगल थीटा है, ये है इसका थीटा, यानी कि उस पर नॉर्मल पे जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि आंसर इससे नहीं आएगा। मेरे को जो फॉर्मूला से याद आ रहा है टाउ अपॉन सिग्मा वो होता है टेन थीटा। ठीक है, और लेकिन इसमें जो एंगल जो बोल रहा है वो एंगल कुछ और बोल रहा है, तो इसीलिए इस टाइप के कोई अटपटे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे आप लिखना था डायरेक्शन ऑफ फोर्स में नहीं, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नॉर्मल। देखिए ठीक है, इस ये जो प्लेन है इस पे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है। तो यहाँ पे आपका थीटा एंगल हो गया, तो आपको ये चीज़ें चाहिए, तो कंपोनेंट लेंगे इसका, तो ये आपका हो जाएगा पी कॉस थीटा, ये आपका पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंशियल टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालने के लिए जाऊंगा मैं, अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालने के लिए जाऊंगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस मीन्स टाउ हो गया हमारा। ठीक है, तो टाउ इस केस में आपका हो जाएगा पी साइन थीटा अपॉन ए डैश, क्योंकि जो एरिया है वो यहाँ पे ए डैश हो गया, तो पी साइन थीटा अपॉन ए डैश आपका ए हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा, इसको मैं सिग्मा लिख सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा, यह आपका टाउ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टाउ डैश बोल लेता हूँ इसको, और सिग्मा डैश की वैल्यू जो होगी वो आपकी, सिग्मा डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमको फाइंड करना है। तो वो आपका होगा पी कॉस थीटा अपॉन ए डैश, तो पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए डैश, ए डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी कि पी कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको दो फॉर्मूले मिल जाते हैं, तो आपको जो रेशियो पूछा गया है उसको हम फाइंड करेंगे। तो सिग्मा डैश अपॉन टाउ डैश अपॉन सिग्मा डैश की वैल्यू पूछी गई है, तो उसकी जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सिग्मा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से एक कॉस कैंसिल, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा आपका टेन थीटा। देखिए दोस्तों, यहीं आप क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा समझने में मिस्टेक हो गया, समझने में क्या, इन्होंने मिस्टेक दे रखी है यहाँ पे कि जो भी आपका रेशियो ऑफ टेंजाइल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है वो तो ठीक है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा थीटा डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख रहा है इसने, तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। लेकिन जो एंगल हमें कंसीडर करना है वो आपको कंसीडर करना है कि जो ये आपका काटेगा, तो ये यहाँ से आपका ये
ये एंगल आपने कंसीडर करना है कि आपका थीटा एंगल ये दे रखा है। दूसरी से अगर आपने पी ये लगाया है तो आपका जो नॉर्मल इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल होगा, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा नॉर्मल उस प्लेन के ऊपर और फोर्स के बीच में, वो एंगल थीटा होगा। तो ये एंगल आपका होना चाहिए। तो बेसिकली आपका आंसर सिंपल था कि टेन थीटा हो जाएगा। आप डायरेक्टली मेमोराइज भी कर सकते हैं, टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय जो भी आपका नॉर्मल होगा उसके बीच में आपका रेशियो का होगा वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। आग बंद करके आगे बढ़ जाइए मार के। उसके बाद इसमें नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन थ्रू थीटा डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें आपका नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस है वो बराबर दे दिया है। तो आपका सिग्मा डैश की जो वैल्यू थी वो आपकी है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका टाउ डैश की जो वैल्यू है वो आपका सिग्मा बाय टू टेन साइन टू थीटा। इसको हम सिंपली वैसे भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो कन्वर्ट कर देंगे तो आपको याद करने में थोड़ा छोटा हो जाता है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया है। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, और टाउ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ क्योंकि एक्सपेंड ही करना पड़ जाएगा लग रहा है। इसको कैंसिल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको मैं उधर भेजता हूँ तो यहाँ जीरो बचेगा, तो कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। एक थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी जीरो, क्योंकि ये इसके इक्विट करेंगे। कॉस 90 डिग्री आपका जीरो होता है, कॉस 90 डिग्री आपका जीरो होता है, तो आपका थीटा की वैल्यू एक 90 आएगी, लेकिन हमारा 90 पॉसिबल नहीं हो पाएगा वहाँ पे, उसके बीच में कोई एंगल नहीं बन पाएगा ना। जो भी इंक्लाइन प्लेन है वो फिर आपका नॉर्मल बन जाएगा प्लेन, वर्टिकल प्लेन बन जाएगा, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। तो डेफिनेटली हमारा आंसर यहाँ से मिलेगा जो कि आपका कुछ टेन थीटा इज इक्वल टू वन बन जाएगा। इसको मैंने रेशियो ले लिया, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आपको 45 डिग्री एंगल मिल जाएगा, तो आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लोकस ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द रिजल्टेंट। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, वो सर्कल के बराबर होता है। देखिए जो भी हमारा मोहर सर्कल होता है, मोहर सर्कल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी आपका सिग्मा डैश और टाउ एक्स वाई डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। ये आपका सिग्मा वन हो गया, ये आपका सिग्मा टू हो गया, दोस्तों यही तो सब रहता है। तो आपका लोकस पूछ रहा है एंड पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट, एंड पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट एंड नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो आपका कोई भी इंक्लाइन प्लेन मैंने मान लिया, सपोज करा मैंने वो मान लिया कि आपका वो मैक्सिमम प्लेन है, तो वो भी तो आपका एक कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन हो जाता है ना। तो इसका जो लोकस आएगा वो लोकस क्या देगा, वो आपको सर्कल देगा। तो आपका सिंपली आंसर यहाँ से मोहर सर्कल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू। प्रिंसिपल प्लेन हमेशा नॉर्मल स्ट्रेसेस ही होते हैं वहाँ पे, और टेंजेंशियल स्ट्रेस हमारा ज़ीरो होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। यानी कि जो टाउ होता है वहाँ पे ज़ीरो होगा, और नॉर्मल स्ट्रेसेस आपका वहाँ पे होगा सिग्मा वन और सिग्मा टू, और ये मिनिमम होगा ये मैक्सिमम होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक शॉर्ट सी समरी देना चाहता हूँ थ्योरी ऑफ फेलियर्स का, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर्स आप से मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, थ्योरी ऑफ फेलियर में। तो आपको सबसे पहला इसमें समझना है कि जो फेलियर ऑफ बाउंड्रीज होती हैं, मतलब जो बाउंड जो फेलियर्स आपका किसी भी ये इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो भी फेलियर आता है उनकी एक बाउंड्री होती है। तो उस वो बाउंड्री को पूछ लेता है कि क्या क्या बाउंड्री आपकी रहेगी एमपीएस के केस में, एमएसएस के केस में, और उसके बाद ये मैंने आपको बोला था कि आपको याद कैसे करना है, तो एमपीएस, एमएसएस, एमपीएस, फिर टीएससी, एमएसएसईटी। अब देखिए इसमें एम जो होता है वो हमेशा रिफ़र करता है मैक्सिमम को, और पी प्रिंसिपल को, एस हो गया आपका स्ट्रेस को। अगर आपके जो शुरुआत के दो की मैं बात कर रहा हूँ, बाद के जो तीन हैं यहाँ से थर्ड से लेके फिफ्थ तक, वो आपके स्ट्रेन होंगे। यानी कि यहाँ पे जो एस होगा वो आपके स्ट्रेन होगा, ये स्ट्रेन हो गया, और यहाँ पे दो दो ऐसा आ रहा, तो जो पहला वाला होगा वो शेयर स्ट्रेस होगा,
शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन होगा, ठीक है। स्ट्रेस हमेशा पहले दो में रहते हैं, यानी कि ये आपका शेयर स्ट्रेन हो गया, शेयर स्ट्रेस हो गया, ये दो है ना इसमें, तो आपका ये शेयर स्ट्रेस हो गया। तो आपका यहाँ से बात उठती है कि बाउंड्रीज ऑफ फेलियर क्या क्या होगा, बाउंड्रीज ऑफ फेलियर कैसे याद रखना है, थ्री से मैंने बोला था, थ्री से याद करना है इसको। तो वो कैसे याद करेंगे, टी को हटा के हमने आर कर देना है, आर फॉर रेक्टेंगल, ठीक है, उसके बाद एच फॉर हेक्सागन, उसके बाद रोम्बस, उसके बाद एलिप्स, उसके बाद फिर एलिप्स। उसके बाद बात उठती है कि उसके बाद बात बात उठती है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने, किन किन साइंटिस्ट ने आपकी ये डिफरेंट जो थ्योरीज है वो दी है। तो इसको याद रखना है, रेखा तिवारी सुशील भाई की वाइफ, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको इसको ऐसे एज इट इज़ याद कर लेना है, तो RTSBV, ठीक है। तो रेंकाइन ट्रेस्का, टी फॉर ट्रेस्का, एस फॉर सेंट सेंट वेनेंट, बी फॉर बेल्ट्रामी, उसके बाद वॉन मिसेस, यहाँ पर आपका W आ रहा है लेकिन इसको आप V से कंसीडर करेंगे, तो वॉन मेसेस। फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं, जो भी आपका हल्का फुल्का फॉर्मूलाज देखना होगा देख सकते हैं। एक छोटी सी थ्योरी बता देता हूँ उसमें मैं आपको, कि जो फेलियर होगा इस केस में आपका इस केस में हमारा सेफ है, यानी कि जो भी आपका यील्ड स्ट्रेस होगा उससे हमारा कम है मैक्सिमम स्ट्रेस, वहाँ पर जो भी लगने वाला है तो उससे कम है, ठीक है। तो आपका ये सेफ वाली कंडीशन होगी। ऐसे आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है, पहले दौर में स्ट्रेस रहता है। तो उसके बाद टाउ मैक्स इज लेस देन इक्वल्स टू Fy/2, इस केस में आपका जो कि तेरेस्का के द्वारा दी गई थी, इस केस में आपका ये सेफ हो जाएगा स्ट्रक्चर और जो भी आपका स्पेसिमेन होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें ये बिल्टल मटेरियल के लिए वैलिड है, ये डक्टाइल के लिए, बाकी सारे डक्टाइल के लिए, देखिए पहला वाला आपका बिल्टल है, बाकी सारे डक्टाइल के लिए हैं, लेकिन आपका एक एक्सेप्शन ये आ जाता है कि जो थर्ड वाला है, जो सेंटर वाला है, वो बिटल के लिए भी ज़रूरी है, वो लग जाता है वहाँ पे, उसकी थ्योरी वहाँ पे भी लग जाती है बिटल मटेरियल के लिए भी, ठीक है। तो आपको ये ऐसे याद रखना है, फॉर्मूलाज मैंने लिख दें, फॉर्मूलाज हल्का फुल्का देख लीजिए, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया, आप वहाँ से जाके चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सेवन्थ में क्या है, सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यील्ड लोकस इज, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी में आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड है, और इसको हम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं, और वॉन मिसेस ने दी थी। और इसमें आपका लोकस पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी केस, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी केस में आपका लोकस पूछा है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी यह है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी केस में आपको लोकस पूछा है जो कि आपका एलिप्स होगा, तो आपका आंसर यहाँ से डी वाला हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ द मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट, तो वही बात है जो लास्ट वाली डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी केस में आपका डक्टाइल होगा और वॉन मिसेस ने दी थी, तो आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस देखना है दोस्तों, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो ये हो गया स्ट्रेस आपके पहले दो में रहते हैं, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यानी कि डक्टाइल के लिए वैलिड है, और हेक्सागन और ट्रेस्का ने दिया था, तो ट्रेस्का यानी कि ए वाला आंसर हो जाएगा इस केस में। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं, इफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स लोड ऑन अ बार आर σ1 एंड σ2 रेस्पेक्टिवली, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेसेस ऑफ द स्ट्रेसेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन थीटा टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल लोड, देखिए लॉन्गिट्यूडनल लोड आपका ये है जो कि आपको मैंने σ1 बोल दिया, ये आपका σ2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है लॉन्गिट्यूडनल आपका σ1 दे दिया है, ट्रांसवर्स आपका σ2 दे दिया है, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन टू द लॉन्गिट्यूडनल लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड आपका ये है, लॉन्गिट्यूडनल लोड के एक्सेस किए हो गया, और इससे आपका प्लेन इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है, ये हो गया, और जो एंगल बना रहा है वो आपका थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बनाऊँ तो दोस्तों इसको आप, ठीक है, ऐसे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो आपका ये हो गया, तो आपको ये देखना है कि आपका वर्टिकल से कितना एंगल बन रहा है, बेसिकली वही हमारा मेजर कंसर्न रहता है। तो आपका ये आपका थीटा हो गया, तो ये आपका थीटा होगा,
ये आपका 90 डिग्री होगा, तो ये आपका जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपने पकड़ना है कि आपको जो थीटा होगा वो आपको 90 माइनस थीटा पुट करना है हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो तभी आप यहाँ से चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, आप तभी आप पकड़ पाएंगे। तो मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, तो एक्सप्लेन करने में क्या है कि जो भी आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल लोड लगा रहा है जो भी, उसका उससे थीटा डिग्री एंगल हमारा पे प्लेन है, ठीक है। थीटा डिग्री एंगल पे हमारा प्लेन है, लेकिन आपका हमें नॉर्मल या वर्टिकल स्ट्रेस से लेना होता है, वर्टिकल स्ट्रेस से लेना, वर्टिकल एक्सेस से लेना होता है। तो वर्टिकल एक्सेस से हमारा ये एंगल जो होगा वो हमें फाइंड करना है पहले, तो क्या होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमारा ये देखिए, ये आपका ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका थीटा, ये भी आपका थीटा, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 90 डिग्री एंगल, यहाँ से आपका 90 माइनस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा पुट करना है बस। उसके बाद नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड करना है, तो नॉर्मल कंपोनेंट आपका कैसे निकालेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट के लिए मैंने सिग्मा एक्स के लिए फॉर्मूला बताया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस टू थीटा प्लस टाओ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये होता है फॉर्मूला। उसके बाद सिग्मा एक्स क्या है, यहाँ पे आपका सिग्मा वन हो गया, और सिग्मा वाई क्या है, यहाँ पे सिग्मा टू हो गया। तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए, उसके बाद चीज़ों को देखते हैं हम। टाओ एक्स वाई कुछ नहीं है, तो इसलिए ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा हो जाएगा आपका कॉस टू थीटा। तो थीटा को मैं फिलहाल के लिए, देखिए थीटा दोस्तों हमारा इस केस में जो होगा ठीक है, इस केस में मैं फिलहाल उसको अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं थीटा बाद में पुट कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पुट करके मैं चीज़ों को ख़राब कर दूंगा। तो मैं इसको ख़राब नहीं करता हूँ, मैं इसको ऐसे इट इज़ रहने देता हूँ, थीटा डैश बोल देता हूँ। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, क्या होगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू कॉस टू थीटा डैश, ये हमारे पास है। थीटा डैश जो है यहाँ पर हमारा 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा कि कॉस टू थीटा डैश माइनस साइन स्क्वायर थीटा डैश, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, तो आप यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। तो उसके बाद फॉर्मूला रखिए, चीज़ों को सॉल्व करिए, ये प्लस है, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाय टू, इसको मैं फिलहाल इसको एज इट इज रखो दोस्तों। तो यहाँ से आपको सिग्मा वन दोनों में है, तो मैं सिग्मा वन वाला टर्म यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं सिग्मा वन वाला टर्म उठा लेता हूँ। तो सिग्मा वन बाय टू वन प्लस कॉस टू थीटा डैश बचेगा, प्लस सिग्मा टू बाय टू प्लस यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, कॉस टू थीटा डैश। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं, तो ये इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा डैश माइनस साइन स्क्वायर थीटा डैश। तो यहाँ से ये और ये मिल के आपका कॉस स्क्वायर थीटा डैश मिल जाएगा, और फिर ये टू बन जाएगा। तो टू अपॉन, यहाँ पे एक टू पहले से ही था और सिग्मा वन, तो आपका ये वाला टर्म आपका ये बन जाएगा। और इधर से आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल यही चीज़ मिलेगा आपको, टू सिग्मा टू साइन स्क्वायर थीटा डैश। तो यानी कि कुल मिला के आपको जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से, सिग्मा वन कॉस स्क्वायर थीटा डैश प्लस सिग्मा टू साइन स्क्वायर थीटा डैश।
अब बात यह है कि जो थीटा है यहाँ पे आपका वो 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो आपका ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा के बराबर होता है, और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपके कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से चीज़ें को हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये तो आपका रिजल्ट होगा ये। तो हम देखते हैं हमारा रिजल्ट यहाँ से कौन सा मैच करता है, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, तो आपका बी वाला आंसर हो गया। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। देखिए मैंने बोल रखा है आपको याद कैसे करना है, एम पी एस, एम एस एस, फिर एम पी एस, फिर टी एस सी, फिर एम एस एस ई टी, ठीक है। और इसको याद कैसे रखना था, रेखा तिवारी सुशील भाई की वाइफ, ठीक है, ये वी। तो उसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और स्ट्रेस आ गया तो आपके दो पहले दो ही स्ट्रेस वाले फॉर्मूले होते हैं, तो इनमें से देख लेते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी कि पहला वाला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि आपका रेंकाई ने दिया था, यानी कि सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।